हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य महासचिव संजीव ठाकुर तथा अन्य पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बाल विद्यालय हमीरपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में संघ द्वारा अपनी मांगों के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा गया। संघ के नवनियुक्त राज्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि संघ के राज्य अध्यक्ष केसे सिंह व प्रदेश महासचिव संजीव ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि पीजीटी का पदनाम प्रवक्ता बहाल किया जाए। उन्होंने प्रवक्ता संघ की मांगों को रखते हुए कहा कि प्रवक्ता संघ का पदोन्नति कोटा संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि 4-9-14 का विसंगतियों को दूर किया जाए। स्कूल प्रवक्ता संघ ने सरकार से ये मांग की है कि भूतपूर्व सैनिकों की दी जाने वाली वरिष्ठता के संबंध में मान्यता उच्चतम न्यायालय के निर्णय को वर्ष 2057 से वरिष्ठता निर्धारित कर लागू किया जाए। जिन प्रधानाचार्यों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर हुई है उसे तुरंत नियमित किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रवक्ताओं के नियमितीकरण के समय उनका न्यूनतम वेतन 16,290 रुपए पर किया जाए और पीएचडी व एमफिल प्रवक्ताओं को अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। इस दौरान प्रवक्ता संघ के जिला महासचिव गौतम राणा, तेज सिंह, डॉ प्रकाश चंद, भूपेंद्र ठाकुर, डॉ राजवीर और वित्तीय सचिव संजय भट्टी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रयास रहेगा कि प्रवक्ता की जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष हम रखें, सरकार के साथ उसका संवाद करें। वर्तमान में मैं खुद और हमारे अध्यक्ष के सचिव जी की अध्यक्षता में हम मुख्यमंत्री से मिले थे। वहाँ पे प्रवक्ताओं का पदनाम बहाली के लिए, प्रवक्ताओं के पदनाम की बहाली के लिए हमने काम किया और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आश्वासन दिया कि जितने भी जो पीजीटी नाम है प्रवक्ताओं का उसको हटाकर सरकार जो है वो प्रवक्ता मुख्य मांगे रही है वो है कि जो भूतपूर्व सैनिकों को जो दी जाने वाली सैनिटी है उसके ऊपर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाए, सरकार को जल्दी से इम्प्लीमेंट करे और 97 से इम्प्लीमेंट करे और रीफ्रेम करे जो सीनियोरिटी है प्रवक्ताओं की सीनियोरिटी उसे रीफ्रेम किया जाए।